देख सकते हैं इस तरह से बढ़िया सा खिचू बन जाएगा इसके अंदर। ये डाई सिर्फ उसके अंदर चेंज करना है, ये पापड़ भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा खेतर में पूरा खिचिया आपका बिजनेस कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है खिचिया, ये चावल का खिचिया है, इसमें आप उड़द का, चावल का, गेहूं का, सारे के सारे पापड़ इसमें आप बना सकते हैं। धूप में रखने के बाद ये एकदम कड़क हो जाता है, आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ऐसा कड़क हो जाता है, फिर इसको पैक करके बेच देते हैं। देखिए ऐसा कड़क हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज जो हम आपको मशीन बताने जा रहे हो बेहतरीन मशीन है, ये है खिचू का मशीन जिसमें खिचू तैयार होता है। अभी खिचू किस तरह से तैयार होता है वो आपको बताएंगे। ये कौन सा आटा है? चावल का आटा इसके अंदर डालेंगे हम और फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे। देखिए चावल का आटा आ गया है, मशीन को स्टार्ट करेंगे। अभी ये मशीन घूमेगा और ये आ गया पानी, इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए इस तरह से डाल देंगे पानी को और पूरा मिक्स कर देंगे। नीचे हमने बर्नर दिया हुआ है, नीचे बर्नर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बर्नर को चालू करके अभी हम मशीन चालू करेंगे। देखिए ये कंप्लीट मशीन चालू हो गया। देखिए इस तरह से मिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा आटा, इस तरह से मिक्स हो जाएगा और आपका 5 से 7 मिनट के अंदर खिचू रेडी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ पानी, मरी मसाला और चावल का आटा बस यही डालना है। कोई लोग मैदा डालते हैं, कोई नहीं डालते। आप और भी कुछ चीज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चीज ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से खिचू हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से बढ़िया सा खिचू बन जाएगा इसके अंदर। देखिए आप देख सकते हैं पूरा खेतर में पूरा खिचू आपका बिजनेस कर रहे हैं। अब आपको खिचू का मशीन दिखाते हैं, आइए मेरे साथ खिचू का मशीन कैसा होता है दिखाते हैं। देखो ये है इसका पट्टा करने का मशीन, अब हम इसको चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। देखो ऑटोमेटिक यहाँ से पट्टा बन के बाहर आ जाएगा। देखिए किस तरह से यहाँ से सिर्फ आपको खिचू का मटेरियल डालना है, ऑटोमेटिक खिचू तैयार होके आ जाएंगे। देखिए किस तरह से बेहतरीन फिनिशिंग है। देखिए ऐसा होता है खिचिया, ये चावल का खिचिया है, इसमें आप उड़द का, चावल का, गेहूं का, नाचनी का, सारे के सारे पापड़ इसमें आप बना सकते हैं। अब इस पट्टे को निकाल के उसमें डालेंगे। देखो इस तरह से प्रेस करेंगे तो स्क्रू से आगे जाएगा और यहाँ से ऑटोमेटिक प्रेस होके बाहर निकल जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक आएगा ऐसा, ये जैक्सन ब्रांड का है जो कि अहमदाबाद में। आपको और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो एक कटिंग हो गया, एक कटिंग को हम ये मशीन के आगे रखेंगे। देखिए इस तरह से ये आगे रख दिया, फिर ऑटोमेटिक बेल के ऑटोमेटिक कटिंग होके यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, इमरजेंसी LED दिया हुआ है, यहाँ से स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मशीन की अभी कम स्पीड से चल रहा है। देखो ये बेल के आया, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। एक कटर है, इसमें आप जो भी डाई चाहो वो लगा सकते हो, बड़ा छोटा कोई भी आप डाई लगा सकते हो। यहाँ से कटिंग होगा, उसके बाद जो साइड का कतरन है ऑटोमेटिक ट्रे के अंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसके ट्रे के अंदर आ जाएगा, इसको वापस इसके अंदर डाल देना है तो ऑटोमेटिक सीट बन जाएगा। एक कतरन कटने के बाद देखो किस तरह से कटिंग होके आ रहा है। देखो जो हमारे बहन है इस तरह से पापड़ को उठा रहा है, यहाँ से सिर्फ उठा के इस तरह से रखना है और इसको धूप में सुखा देना है। देखो इस तरह से सिंपल से ही उठाना है और इस तरह से अभी सुखा देंगे, आपको दिखाएंगे हम। देखो इस तरह से इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको थोड़े देर के लिए इस तरह से रख देंगे, उसके बाद इसको खिली धूप में लगा देंगे। देखो इस तरह से लगाएंगे, फिर इस तरह हो जाएगा पापड़ आपका, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा धूप देंगे, हल्का सा, आइए मैं धूप में दिखाता हूँ किस तरह से धूप देते हैं। इस तरह से धूप में रखते हैं। देखिए धूप में रखने के बाद एकदम कड़क हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है। देखिए
धूप में रखने के बाद ये एकदम कड़क हो जाता है। आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ऐसा कड़क हो जाता है। फिर इसको पैक करके बेच देते हैं, देखिए ऐसा कड़क हो जाता है। फिर इसको छोटा सा ये वान है, इसके अंदर पैक करके लोकल डिलीवरी दे देते हैं सारे लोगों को। ये छोटा सा गांव है, आप देख सकते हैं, गांव दिखाइए। ये छोटा सा गांव है, ये गांव में पूरा ये बिजनेस कर रहे हैं। देखिए आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हो, इसमें आप अलग अलग टाइप के भी पापड़ बना सकते हैं। देखो ये इसमें खिचिया भी बनाया हुआ है, आपको खिचिया दिखाते हैं। ये खिचिया पापड़ बनाया हुआ है, ये सिर्फ आपको डाई चेंज करना है। जो डाई पड़ा है ना, आप देख सकते हो डाई, ये डाई सिर्फ उसके अंदर चेंज करना है। ये पापड़ भी आप बना सकते हो, ये खिचिया का पापड़ है, ये भी आप बना सकते हो। अभी हम सर को पूछते हैं वो कितना किलो आज बनाए, आज आप कितना किलो बनाए सर जी? तो आज उसने 100 किलो बनाया, हर रोज कितना किलो बनाते हैं? हर रोज 50 किलो, हर रोज ऑर्डर के हिसाब से 50 किलो हर रोज बनाते हैं। तो कितना टाइम आप बनाते हुए 3 महीने के अंदर ही ये 100 किलो अभी बेचना चालू हो गया दोस्तों। आप भी बना सकते हो पापड़ और आप भी बेच सकते हो।